तो हम आए गाइस कैफे अग्वेडा, ये काफी फेमस है चाय वाला। ये गाना गाते हैं। हाँ भैया रेडी भाई। चाय कॉफी गुड इवनिंग स्पेस एंड वेलकम टू योर ट्रेडिशनल एंड वेलकम टू गोवा फर्स्ट टाइम इन गोवा नाइन इंडियन ड्राई स्पाइसेस कूलर कैरमल तंदूरी चाय शाम की चाय एक प्यार मिल जाए साथ में एक सुट्टा मिल जाए तो बात बन जाए। चाय बेबी डोंट क्राई व्हाट आर यू शाय नारके मलाई पिलाता हूँ चाय पिलाता ना चाय पिला दे मेरे भाई एक सुट्टा जला दे मेरे भाई एक कटिंग बना दे मेरे भाई थोड़ी अदरक और चीनी मिला दे मेरे भाई मेरे नाम दस का जा सूरज मेरा नाम यही मेरा काम इधर इधर मुझको हो जाती शाम। चाय 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 कॉफी कूलर कारमल तंदूरी चाय। हेलो फ्रेंड्स हेलो क्या बात है मजा आ गया भाई मेरे भाई एक सुट्टा जला दे मेरे भाई एक कटिंग लगा दे मेरे भाई थोड़ी अदरक और चीनी मिला दे मेरे भाई अदरक वाली चाय धूम धूम मचाए अदरक वाली चाय 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 कॉफी गुड इवनिंग स्पेशल सिंगल शॉट डबल डबल हेलो फ्रेंड्स चाय पीलो वेलकम टू योर डेस्टिनेशन वेलकम टू गोवा रन 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 घर में ना ऑफिस में फन 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 बरसों पुराना नुस्खा है ये तेरा ना मेरा ना उसका है आई एम श्योर नहीं कर सकेगी यस सेकेंड पीए भी बोलेगी हाय 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 पहले क्यों नहीं बता वाई 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 अदरक वाली चाय धूम धूम मचाए अदरक वाली चाय अदरक वाली चाय इमोशंस को जगाए अदरक वाली चाय मजा आ गया भाई बहुत बढ़िया यदि हलवाई की जलेबी है लड्डू बनेगी तो पी करके बेबी इतना पसीना आ गया कैसी है चाय सही है चाय पीता नहीं है मेरी बारी है पिला पिला के अद्भुत ये गाड़ी है ये हमारे वायरल चाय वाले सिंगर है ये चाय पीता नहीं मैं पर भाई ने चाय अच्छी बनाई है पी रहा हूँ चाय हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो गुड इवनिंग स्पेशल कूलर कैरमल तंदूरी चाय शाम की चाय एक प्याले हो जाए साथ में एक सुट्टा मिल जाए तो बात हो जाए सुट्टे वाले नहीं हम सिर्फ चाय वाले हैं। अच्छा ये सुट्टे वाला अरे ये क्रूज के जान दे दे पाप से हमें छुड़ाया है अभी हम चाय वाले से आए हैं और ये गाना हमारे दिमाग से जा नहीं रहा है बिल्कुल अदरक वाली चाय चाय अदरक वाली चाय चाय धूम धूम मचाए चाय अदरक वाली चाय चाय एक चाय पिला दे मेरे भाई चाय एक सुट्टा जला दे मेरे भाई चाय एक कटिंग लगा दे मेरे भाई चाय अरे चाय तो पिला दे मेरे भाई चाय अरे भाई साहब तगड़ा सिंग कर गए हम ऐसी चाय पिला दी है नशे हो गए ओल्ड मॉन्ग चाय भी इसी के पास मिलती है गोवा में जो दिखाते हैं लोग ओल्ड मंग चाय वो इसी के पास मिलती है और जरूर आए अग्वाडा फोर्ट आए और अभी हम आगे जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको ताज होटल के पास ताज होटल के पास चलो अब हम आ गए हैं अग्वाडा फोर्ट
एग्वेडा फोर्ट ऊपर है और ये एग्वेडा की जेल है और ये एग्वेडा बीच और उस सामने जो है वो पंजिम सिटी है, पूरा वो पूरी सिटी है पंजिम सिटी की ओपोजिट साइड। ये एग्वेडा जेल और ऊपर एग्वेडा फोर्ट बना रखा है। ये काफ़ी पुरानी जेल है, यहाँ पे इस सारे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे ना, चाहे कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब का है, कहीं का भी जो फ्रीडम फाइटर होता था उनको यहाँ लेके आ जाते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के टाइम की जेल है ये फोर्ट एग्वेडा जेल म्यूज़ियम। अब इसको ना म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया, अब ये जेल ऑपरेशनल नहीं है, ये 1947 के बाद बंद कर दी थी, अब सिर्फ ये म्यूज़ियम बना रखा है। कितने की टिकट एक बंदे की पर पर्सन? 200 रुपये की। पहले तो ये एंट्री फ्री थी बट 2-3 साल से अब चार्जेस लगने लगे हैं इस पे। ट्यून्स ऑन द टाइल्स। आज कुछ है मतलब अंदर ही है? ये सिंगर है, कौन है ये सब? ये सब सिंगर आ रहे हैं आज, आज ही 7 PM ऑनवर्ड्स। ये रहा, तो दिखाते हैं आप सबको अंदर फोर्ट और ये जेल। तो हम आ गए एग्वेडा फोर्ट गाइस। ये तोप रखी है पुराने जमाने की। ये कैफे बना दिया छोटा, जेल के अंदर ये कैफे है। जेल में कैफे है, ब्लैक शीप बिस्ट्रो। ब्रिटिशर साले ब्रिटिशर साले। जय हिंद। वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको कितना परेशान कर रहे हैं। अब आ जाओ, कोई इतना बड़ा पेड़ टूटा हुआ है, ये समुंदर, ये भानु तोप को देखता हुआ, क्योंकि ये भी एक तोप आदमी है। उठा ले भाई, ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्टैचू लगाए हैं इधर। ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के थे पहले, यहाँ पे इतना सफ़र करते थे ये फ्रीडम फाइटर्स हमारे। 1930s के आसपास की बात है, अंग्रेज इतने तेज थे कि मतलब दिल्ली पंजाब से कोई फ्रीडम फाइटर उठाया है ना, तो इतनी दूर उसको जेल में बंद कर देते थे ताकि उसके घर वाले कोई मतलब मिलने भी ना आ पाए, उनको पता भी ना हो उनके बच्चे जिंदा हैं मर गए हैं क्या पता। 2 साल रखते थे, 4 साल रखते थे, 10 साल रखते थे, उनको इतना परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, तड़पाते थे। अब आ जाओ, कोई है कोई टक्कर में इंडिया की, अब आ जाओ। अब ये यहाँ पे वो राज इवेंट है 7 बजे के बाद, ईयर आ रहा है ना पास में, 28 सिंगर्स आ रहे हैं, 4-5 फेमस, उनका इवेंट है। यहाँ पे अंदर सब कुछ बना रखा है, कहाँ उनकी परेड कराते थे, कहाँ पे उन्हें कोई बचाने के लिए आ जाए तो कैसे अटैक कर सकते हैं हम, दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी। तो ये देख, 100-150 साल पुराना फोर्ट है यार, पत्थर देख वैसे के वैसे ही हैं। अब यहाँ खुली दारू चल रही है, पहले यहाँ बेचारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स तड़प के रहते थे। अब यहाँ से मेन जेल स्टार्ट हो चुका है, आगे क्या बोलते हैं जेल में, क्या होते हैं वो रूम्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेल्स। सारे अब स्लीपर सेल्स हो रखे हैं, पहले हमारे सेल्स में हमारे फ्रीडम फाइटर्स तड़पते थे। ये बेल होती थी उठाने के लिए सबको, उनको परेशान करने के लिए, सोने ही नहीं देते थे उनको। ये पोर्ट के लिए बना रखा है, शिप से कुछ आता था ना यहीं से भेज देते थे उनको सबको, शिप से इधर ही आती थी गाइस। जब फोर्ट पे अटैक होता होगा ना, क्योंकि पहले किसी भी कंट्री पे जब वो करना होता था ना, क्या कहते हैं, कब्जा करना होता था, तो पोर्ट को पहले करते थे, पहले पोर्ट पे ही करते थे, क्योंकि पहले इतने प्लेन्स और ये सब नहीं होते थे ना, शिप ज़्यादा होती थी, पहले शिप से अटैक होता था, वाटर से सी अटैक होता था पहले।
एशियन इनको बंद कर देंगे, एक आधे को आज कर देते एक आधे को। हाँ इनको भी पता चले कि इनके एंसेस्टर्स ने हमारे एंसेस्टर्स को कैसे तड़पा रखा है। एक आधे को हम लपेट देते हैं, क्यों इनको ऐसी जगह बंद कर देते। स्टार्ट हो गया है ये, जितने फ्रीडम फाइटर्स थे ना ये सामने, जितने भी यहाँ फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उन सब की रिश्ता। तो आप गाइस आप ये देखो कितने लोगों ने यहाँ सफर किया, कितने लोग। हजारों यहाँ पे, हजारों लोग ब्रिटिशर्स ने कितना तड़पाया होगा ये सोचो, हजारों लोग एक बोर्ड पे कितने नाम लिखे हुए हैं, सौ सौ नाम लिखे हुए हैं एक बोर्ड पे, कितने बोर्ड हैं देखो। रेतवे जिनके नाम पता थे जो ब्रिटिशर्स ने वैसे ही मार दिए होंगे, जिनके कुछ ज़्यादा पता ही नहीं हो, वो अलग है, उनकी लिस्ट लाखों में है। चौधरी गिनगुपाली राम भूषण राव चौधरी, पहले इतने बड़े बड़े नेम होते थे। माधव राव चौहान, चौहान जो अब चौहान हो गया वो चौहान था पहले। मनोहर विठोबा देसाई, मोलू कुश्ता देसाई, इसी को भी देख लो। बाल कृष्ण महादेव भोसले, विष्णु सदाशिव दालवी, सोनू रामा दामाजी, एंटोनियो जोसे गागावास डिको सफ्रियास, मतलब ये तो वो लोग हैं जिनके बुक्स में नाम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोगों ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, ये वो नाम है जिन्होंने अपना भी पूरा मतलब अपना भी रोल पूरा कर रखा है, अपना भी शेयर है हमारे लिए। वहाँ तक देखो भरे हुए हैं, ये तो वो हैं जिनके नाम पता थे, मतलब यहाँ पे जो पुलिस फोर्स थी या जो भी था जिनको उनके नाम पता थे, जो पहली मार के दफना गए वो अलग है। कृष्ण राव आर ऐसे टॉर्चर करते थे ब्रिटिशर्स, बना भी रखी है स्टैचू भी बना रखा था, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उल्टा लटकाते थे ब्रिटिशर्स, देखो उल्टा लटका कर रोप से मारा करते थे, पीछे हाथ बांध के और ऊपर उल्टा लटका के कितना सफ़र करते होंगे। छोटा सा यही पीट के उनको फेंक देते थे, ना कुछ खाने का देना ना कुछ पीने का देना, ये यहाँ पे अब ये जो है ना ये स्क्रीन पे अब इन्होंने नई टेक्नोलॉजी है, लास्ट टाइम जब आया था तब था नहीं, अब यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो पुरानी फोटोज थी हर एक चीज़ को ना इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि हाँ। कैसे क्या है, क्या था, सेल क्यों यहाँ पे बनाया, फोर्ट यहाँ पे क्यों बनाया, ये जेल यहाँ पे क्यों बनाया, और क्या क्या कैसे वो टॉर्चर करते, सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। तो आपको दिखाते हैं आप लोग, चैप्टर भी बना रखी है और उसमें मेंशन कर रखा है ये जो है लेडी ऑफ गॉड,
मतलब जो क्रिश्चियन का जो भी होता है उनके ऊपर बना रहे थे, आगे तो जाना बताता रहा जो भी भाई को जाते जाए सर टेम्पल टेम्पल भी बना रखा है इस चीज़ के लिए। हाँ पहले पूरा ये होता है सब पूरा जी, अब ये मुझे बना दिए तो इसकी सारी चीज़ बना राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट लीडर लीडर थे लास्ट में उनका है भैया वो लेना भी अच्छा लगा होगा आगे। अच्छा इनका स्टैचू सबसे फेमस थे मतलब ये वाले भैया बता रहे कि राम मनोहर लोहिया जो है सबसे फेमस सोशलिस्ट थे जिन्होंने मतलब फ्रीडम फाइटर में सबसे फेमस थे यहाँ पे उन्होंने उनको अंग्रेजों ने यहाँ पे कैद कर लिया। अच्छा कैद करने के बाद क्या वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा थी जिस तरह से और उसको बाहर निकलवाया यहाँ से चिट्ठी लिखा बाहर निकलवाया चिट्ठी लिखा बाहर निकलवाया अच्छा यहाँ से वो लोगों को बाहर मैसेज भेजते थे चिट्ठी लिख के फिर आपका विजय ऑपरेशन हो रहा है फिर बनाया गया। अच्छा फिर अंग्रेजों को भगाया गया। अच्छा तो भैया कहने का मतलब ये है उनका कहने का मतलब भैया का ये है कि यहाँ पे जो डॉक्टर मनोहर भैया थे वही सबसे बड़े लीडर होते थे इस जेल के तो यहाँ से क्या कहते हैं वो चिट्ठियाँ लिखते थे बाहर कैसे ना कैसे करके पहुँचाते थे फिर वहाँ से मतलब इंडियन आर्मी को या फोर्सेस को उससे बहुत हेल्प हुई वहाँ से आर्मी ने यहाँ पे कोर्ट पे अटैक किया और इस कोर्ट को अपने अंडर कर लिया और क्या कहते हैं यहाँ से उन लोगों को बैंगलोर भगा दिया जितने भी यहाँ पे जो जेलर थे जो भी अंग्रेज पोर्चुगीज थे उनको यहाँ से भगा दिया। वार्निंग ये जो बना रखा है ये बाहर बनाया था इसलिए बनाया था कि कहीं से दूर से कोई शिप आ रही है कोई वार्निंग ऊपर देनी है ना ये जेल के बाहर है जेल के बाहर है ये और ये इसलिए बनाया था कि कोई भी शिप अटैक करने आ रही है तो ये वार्निंग सबसे पहले ये वार्निंग देते आर्किटेक्चर इसका ये पोर्चुगीज ने ऑक्यूपाई कर रखा था गोवा पर बनवाया था इटालियन आर्किटेक्चर से ये जो जेल है सेगुएडा का एशिया में सबसे बड़ा वाटर टैंक था फ्रेश वाटर टैंक सबसे बड़ा उस टाइम पे मैं ऐसा लग रहा हूँ गाइड कर रहा हूँ सबको बहुत अच्छा कर रहा है सही में बहुत अच्छा कर रहा है 1864 में रेनोवेशन भी की थी इसकी इस जेल की इसमें 1864 में रेनोवेशन ओल्डेस्ट लाइट हाउस है एशिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस एग्मेंडा फिलिपिनो जेल है ना ये ओल्डेस्ट लाइट हाउस है बेल लगी हुई ना जो हमने बाहर बेल दिखाई थी अभी बेल दिखाई थी वो बेल वार्निंग सिग्नल थी मतलब कोई भी शिप पे कोई अटैक कर कोई शिप से आ रहा है कोई बोट पर अटैक करने आ रहा है तो उस बेल को रिंग कर दे जो भी हो गैलोस बनाए गए थे ओनली फॉर एक्सिक्यूशन यहाँ पे हैंग किया जाता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। एक ये थे जोसेफ डेविड पीटर ये पहले ऐसे थे जिन्होंने डबल मर्डर कर रखा था उनको पहली बार यहाँ पे हैंग किया गया था ऐसे पहली बार फर्स्ट टाइम वाज हैंगिंग दिस वाज द फर्स्ट एंड टू डेट द ओनली कन्विक्शन वही यहाँ पे हैंग हुए थे बस। काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन बना रखी है यहाँ जॉयस्टिक से नहीं देख लिया कवर हो गया लैपटॉप नहीं ऊपर है अभी है ऊपर अभी तो बहुत है
गोवा की जो फ्रीडम की है ना सबसे बड़ी हिस्ट्री यही है एक्वाडा की। एक्वाडा जेल से ही गोवा का जो फ्रीडम था ना पोर्चुगीज से स्टार्ट हुआ था। इंडियन फ्लैग दिखाना सर, इंडियन फ्लैग दिखाना ये दिखा रखा है। यहाँ पे फीमेल फ्रीडम फाइटर्स भी आती थी, उन्हें भी यहाँ पे रखा जाता था। जहाँ मैं एंटर किया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो ये जेलर्स के बैराक थे, मतलब ये बैराक थे ना स्टार्टिंग में। सही बता रहा हूँ भैया मैं, ऐसी बात नहीं है। आप सबको दिख रहा है ना बीच है, ये वेव के बीच है, ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दो ही आदमी आ सकते इतनी छोटी, मेरे यहाँ तो एक ही आएगा, मेरे यहाँ तो एक ही आएगा, दो आ सकते थे मेरे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन दी है गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश, ये बार मैं दिखा देता हूँ इन्हें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये हिंदी में स्विच हो जा रहा है और एक बार प्रेस करते ही ये इंग्लिश में स्विच हो जाता है। यहाँ पे पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अप डाउन सब कुछ दी गई है इसमें। ये फ्लैग्स पे आया, ब्लू फ्लैग से जो हम हैं नहीं, और पिंक फ्लैग मतलब हम उस पर्टिकुलर उस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई बड़ी अच्छी मशीन, अभी कितने टाइम पहले लगी है, कितने 3 महीने पहले, तभी मैं बोल रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम फेब में आया था ना मार्च में, तब ये थी नहीं, तब मैं जेल घूम के गया था, तब ये सेटअप हो रहा था पर लगी नहीं थी। चलो और दिखाते हैं। देखिए गाइस, अगर हमने इसे जस्ट इन केस फुल बटन दबाने से क्या होता है, अब दबाने से ये पूरी मशीन पूरा मैप दिखाती है एक बार में, लाइक दिस। ये पूरा ये जो है ना पूरा का पूरा जेल है, ये सब कुछ दिख रहा है। अच्छा ये जेल के अंदर का एरिया, हां जेल का अंदर भाई, आपको बाहर का एरिया बाहर का है। अब मैं आपको दिखाता हूं, फोटो है और ये जेल है, ये जेल है आपका, जेल ये जेल है और वो फोटो ऊपर। ओके ओके जेल, अब गाइस ये जेल है, ये सारा जेल है, सारा जेल है। ये ऊपर फोर्ट में अंग्रेज रहते हैं मुझे लग रहा है, और हम यहाँ ये ऊपर फोर्ट है और नीचे जेल था। अब हम आ चुके हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये वही रैंप है जहाँ हमने अभी देखा था, एक स्टील का रैंप बन चुका है। यहाँ से पोर्चुगल भाई, ये देख पड़े एक बार, पोर्चुगल पानी भेजते थे यहाँ से, फ्रेश वाटर पानी, मतलब पोर्चुगल में पानी भी नहीं था, सारी चीज इंडिया से लूट के गए हैं, सोना तो गया ही गया, पानी भी लूट ले गए, बता यार यहाँ से पानी लेके जाते थे फ्रेश वाटर पोर्चुगल। हद हो गई यार, क्या क्या नहीं लूटा हम तो, सोचते सोना ही लूटा, पानी भी लूट लिया, चोर थे साले। प्रिंट स्टोरी से इसमें अगर हम आराम से एक बटन करते हैं प्रेस, तो फॉर एग्जांपल अभी की स्टोरी है यहाँ पे एक्वाडा फोर्ट की, लाइट हाउस की, तो अब ये हमें एक प्रिंट निकाल के दे दिया है, ये लाइट हाउस के बारे में पूरी स्टोरी है। अभी हम आपको एक स्टोरी और निकाल के दिखाते हैं, महादेव टेम्पल एट तामड़ी सरला। 55 सेकंड लगते हैं इसको होने में प्रिंट, अब हम करेंगे प्रिंट, हम इसका वेट करेंगे आने में फॉर 40 सेकंड, फिर दिखाते हैं आप। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एनिमेशन चल रही है कि कैसे प्रिंटिंग होती है।
काफी अच्छा है। 30 सेकंड और गाइस। उसमें आपका पंजिम का दिया हुआ है, पंजिम का पंजिम का ये दिया हुआ है, टेंपल सा है उसका, उसमें दिया गया आपका एक छोटी सी विजय ऑपरेशन, एक विजय ऑपरेशन हुआ था जो मनोहर लोहिया, जो डॉक्टर मनोहर लोहिया जी हैं उन्होंने करवाया था, तब ये हुआ था। देख लीजिए सब लोग जेल की तरफ आ गए थे उनकी कुछ लेटर्स की वजह से, उनको सब छुड़वाने के लिए और ये पोर्चुगीज का मतलब यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, भगाने के लिए, कि पूरी मूवी चलती रहती है इसमें। गोवा मेरे ख्याल में 47 के आसपास का होगा, 50 के आसपास का गोवा, तो 47 के बाद आज़ाद हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे, यहाँ पे पोर्चुगीज रूल करते थे। एक ये मशीन बना रखी है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं सारा वो चल रही है। पुराना जेल जब बनाया था कैसे होता था हीरा। और ये क्या है भैया, कहाँ गए ये क्या भैया? हमें चाहिए 47 का, मतलब समझा नहीं, उसे आएगा क्या मतलब? कहानी आएगा। अच्छा कहानी आएगा, हो रहा ये तो और तगड़ा है भाई। ये इयर्स 1612 में ये था टॉल 40 कॉल एक्वेडा विच प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अननोन एनिमीज, इट वाज बिल्ट इन, मतलब इट वाज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अननोन एनिमीज, बिल्ट इन 1612 अगो टू, बहुत पुराना है मतलब ये फोर्ट तो काफी पुराना है। कितने साल पुराना है? अरे क्या बात है, अब हमें पीछे जाना हो तो बैक, अब हमें देखनी है, हमें और इससे पुरानी देखनी है। ये सिर्फ 18 नंबर पे क्या है? हम देखते 1599 स्टोरीज है भाई, 500 साल पुरानी। वास्को डी गामा, हम न्यूज वाले हैं भैया, अरे न्यूज वाले हैं। और देखते कुछ और सबसे पुरानी कौन सी स्टोरी है? ये 1564, इससे पुरानी सिर्फ 500 नंबर भाई। अरे पूरे गोवा की है, पूरे गोवा की है भाई इसमें स्टोरी, पूरे गोवा की। मेरे को यहाँ पे नंबर 2 दिखा था, 2 हाँ इसमें करता हूँ, स्मॉलेस्ट देखते हैं क्या है। मतलब ये सबसे पुराना होगा क्या? जी जी, वंस अपॉन अ टाइम ये नंबर स्टोरी से उठाए हुए नंबर्स हैं, जैसे 2 पोर्टुगीज मर्चेंट्स थे तो ये नंबर 2 स्टोरी है। हाँ ये ऐसे है, ये चर्च बनाने के लिए पैसे कम पड़ गए थे जो यहाँ के लोग बना रहे थे ना, तो इन्होंने समुद्र में डूबे हुए 2 पोर्चुगीज बचाए थे, तो उन्होंने हेल्प की थी उनको ये चर्च बनाने में। गाइस अगर आप यहाँ खुद आएंगे आप यहाँ कई घंटे तक खड़े रहेंगे, लाखों स्टोरीज जानते हुए। लाखों स्टोरीज है भाई, देख लाखों, कितनी स्टोरीज है, 6000 मतलब 6000 स्टोरी है, 6000 हिडन ट्रेजर भी है भाई, वहीं चलते हैं। चलो हम, हमें भी चाहिए अब तो। ये विलेज है ट्रैंक्विल, देख भाई कहाँ पे है, उस गली माल सरनी डिस्कवर हिल बाय विलेज ने 1993 में एक्सीडेंटली मिली थी विलेज, एक्सीडेंटली द साइड नाउ सेंटर टेस्टिंग भाई कमाल है भाई, यहाँ तो सोना भी है, यही रहेंगे हम, यहीं पर एक छोटा सा बॉक्स रखा है, आपने कई जगह देखा होगा, अगर आप इंडिया गेट जाया करते होगे बचपन में तो आपने ये देखा होगा, जिसके अंदर एक्टर्स की फ़ोटो चलती थी शाहरुख खान और सलमान खान की। बट यहाँ पे आज हमें देखने को मिलेगा गोवा का एक बड़ा अनमोल हिस्ट्री का पीस।
काफ़ी अच्छे ढंग से ये फोटोज़ को दिखा रहा है। वो मशीन देखने के बाद अब हम आ गए हैं वापस प्रिंटर स्टोरी पे। यहाँ पे हम इंग्लिश करेंगे तो ये मशीन अपने आप इसको इंग्लिश में कर देगी टर्न। हिंदी काफ़ी अच्छी एनिमेशन है, आप देख सकते हैं गाइस। अब 4 सेकंड है प्रिंट होने में और अब हम आपको दिखाएंगे कि प्रिंट कैसे निकलता है। किसकी स्त्री है? दोना पोला की। दोना पोला की, दोना पोला पे आपने सबने एक मूवी भी देखी होगी सिंगम, उसमें जो अजय देवगन है। और अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं हम आपको यहाँ की, मोजैक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो पे चूज करेंगे और हम कर देंगे क्लिक। 5 सेकंड में ये हमारी एक अच्छी सी फोटो लेगा और इसको हमारी होगी सुनहरे अक्षरों में दर्ज। ये रही फोटो, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये आ रखे दिल्ली के चीते, दिल्ली के चीते खुल के पीते हैं, जीते। हम कर देंगे डन और ये हमारी फोटो को एक अहम हिस्से में डाल देगी। ये रहे। खुल के देख भी सकते हो भाई साहब, गोवा। ओह हेलो भाई, भाई तो तगड़ा था, बहुत ही अच्छा है। में आए हुए सारे विजिटर्स की फोटो है और ये देखने में ये ऊपर का फोर्ट है। फोर्ट्स को और सारे बोट्स और हर चीज को एक अच्छी सी एनिमेशन में दिखा देती है। हमने भी स्टोरीज देखी थी, बनाया था 90s में, 80s में बनाया था। इस तरफ सारे झील हैं, सारे सेल हैं और इस तरफ ये सब झीलर और ये सब बैठ के आराम करते हैं। यहाँ पर गाइस एक और इंटरेक्टिव म्यूजियम है जहाँ पर और काफ़ी सारी अलग अलग मशीनें जहाँ पे प्ले जा रही है। प्लस यहाँ पे कई सारी प्लेजेस हैं जैसे ये देखिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस प्लेज पे अगर मैं सपोर्ट करता हूँ इस प्लेज को तो अंडरटेकिंग दिस प्लेज बाय प्लेसिंग योर पाम इन दिस। यहाँ से मैं ये प्लेज सबमिट कर दी मैंने। यहाँ पर है अलग अलग मैसेज ढूंढने, काफ़ी इंटरेक्टिव मशीनें बना रखी हैं। ये भी बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसमें जो है ये बैक हो जाएगा, यहाँ से ये बैक ऑप्शन है। ये जितनी भी सामने बॉटल्स रखी है ना, इनके अंदर एक पेपर है तो जैसे ऐसे नेविगेट करना, ये नेविगेट हो गया, इस बॉटल पर आ गया, देन प्रेस दिस, इस बॉटल के अंदर जो भी राज छुपा हुआ है ना आजाएगा स्क्रीन के ऊपर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में है, गोवा रेवोल्यूशन डे बनाया जाता है 18 जून 1946 को, मतलब 18 जून जो भी आएगी ना उस दिन गोवा रेवोल्यूशन डे बनाया जाता है। उस दिन से ही गोवा में लड़ाई करना शुरू हो गए थे अगेंस्ट पोर्चुगीज कि हमें आज़ादी दो। अब और देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट में ये तो फिर वही है, एक ही आता है सब में एक ही है। एक्चुअली क्या है, मशीनें अभी 3 महीने पहले आई हैं, फिर पहले थी नहीं ये मशीनें, तो जो भी आए इस टाइम आके देखें क्योंकि बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव सिस्टम है जिसमें हमारी काफ़ी गोवा की हिस्ट्री दिखाई जा रही है और बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव है और ईजी इंटरेक्टिव है, कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है इन मशीनों को।
बेसिकली यहाँ पे देखे जैसे ऑपरेशन विजय जो एक ऑपरेशन हुआ गया था उसके काफ़ी पार्टों में डिवाइड कर रखे हैं, पार्ट वन द कॉन्क्वेस्ट, द स्ट्रगल, द डिप्लोमेसी एंड द ऑपरेशन। यहाँ पे कई सारे पार्ट दिखा रखे हैं, ये देखिए जिससे मैंने पार्ट वन खोला, यहाँ पे पेजेस आ गए 10 पेजेस, प्रॉपर इंटरेक्टिव वे में कराया, डिस्कवर द सी टू इंडिया कैसे हुआ था ऑपरेशन विजय स्टार्ट 1498 में वास्को डी गामा जब आए थे यहाँ पे सेलिंग सेल फ्रॉम लिस्बन, ये आए थे शोर्स कैलकाता के शोर्स पर आए थे, वहाँ से ये काफ़ी आप देखिए प्रॉपर दे रखा है, हर चीज़ की हिस्ट्री दे रखी है। हम दिखाते दिखाते हमें घंटों लग जाए, इतनी काफ़ी सारी हिस्ट्री है गोवा की और सारे चाइने रूल करे थे ना, और बहुत ही मतलब बढ़िया है कि गैलरी है यहाँ पे, ये अनसंग हीरो है, ये अच्छे यही थे, ये राम मनोहर लोही है भाई, ये राम मनोहर लोही यहाँ पे हीरोइन के बारे में कम ही लोग जानते हैं, हमको नहीं जानते, इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था अगेंस्ट पोर्चुगीज, मतलब पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट इन्होंने करा था स्टार्ट 18 जून 1946 में, तब से फिर इन्होंने भी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया था गोवा वालों ने पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट, तो ये सबसे मेन आदमी है। इसमें क्या है, काफ़ी सारी गैलरीज दे रखी है, सब में क्या है, क्लिक करेंगे पुरानी पुरानी फोटो, द डिफीट, अभी द डिफीट पे दिखाएगा, यहाँ बड़ी स्क्रीन पे आ जाएगा, द डिफीट, डिफीट ऑफ पोर्चुगीज़ आर्मी दिसंबर 1960 में आज़ादी मिली थी गोवा को, इंडिया को मिली थी 1947 में और इनको मिली थी 1961 में। जो भी हमारे इंडियन हिस्ट्री में हम ढूंढ पाए, डिस्कवर कर पाए, वो सारी फोटोज हैं और बहुत बढ़िया डाटा सिस्टम बना रखा है कोई नहीं, भाई ये देख कैसे मारते थे, देख अभी वाली देखियो, देख सत्याग्रह एक्टिविस्ट शॉट बाय पोर्चुगीज पुलिस इन गोवा बॉर्डर 1955 में, एक एक्टिविस्ट मारा गया था जो इनके अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था और चीज़ें उनको मार दिया था, उसको दो आदमी खींच के ले जा रहे हैं भाई साहब। डीनेशनलाइजेशन ऑफ गोवंस, यहाँ पे हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स भी प्यारे हैं, हमें जान से भी प्यारे, इनकी वजह से आज हम खड़े हैं यहाँ पे, जो है इनकी वजह से, आज इनकी वजह से हम गोवा में घूम पा रहे हैं, सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं भाई, ये अपने सारे फ्रीडम फाइटर हैं, भगवान इनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पैदा करे, ये सबके नाम है, ये जी अनंत सकाराम अभिषेकी, गंगाधर गोविंद पालेकर, कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं देख यार कितने, मैं हम कह रहे हैं ना यहाँ घंटों लग जाएंगे, सबकी हिस्ट्री दे रखी है, बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है ये, और काफ़ी इजी इंटरेक्टिव सिस्टम है, अभी भी दोबारा कह रहा हूँ मैं, इतना बढ़िया है कोई भी आके इजीली एक्सेस कर सकता है इसको, और हिंदी में भी है ये, जैसे यहाँ पे देखो ये अब हिंदी में और सारी मशीनों में है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, अपने फैमिली साथ जरूर आओ एक बार, अपने बच्चों को लेकर आए, इनको दिखाएं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, कैसे आज़ाद हुए, सब है यहाँ पर। यही क्या है कि रैंडम कॉम्पाइलेशन है और वीडियोस की जो कि रियल टाइम है, ये शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज में देख रखा है, अब तक हम 7-8 निकाल चुके हैं, सारी न्यू अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग मूवमेंट की, अलग अलग स्टोरीज, सेक्रीफाइसेस, क्योंकि अलग तरीके से देखो जेल बंद हो गया, अब खोल, अब बंद हो गया, खोलना है ये जो खुल गया 84 डेज, यहाँ की 84 डेज वाली कोई स्टोरी आ जाएगी अब, अनलॉक पूरा करना पड़ेगा, अभी और खींचना पड़ेगा, मैंने बोला था ना स्कॉल की ऐसे खींचते रहना, खींचना नहीं बस इसको नॉर्मल ही रखना है, 2-3 बार अब ओके तो ऐसे खींचना, जब तक गेट नहीं पूरा गेट, ये सिंधुताई देशपांडे वर्किंग वाले वेंडर, मतलब जितनी बार भी अलग अलग स्टोरी आती रहेगी, जितनी बार आप गेट खोलोगे ना अलग अलग लोगों की स्टोरी आती रहेगी, उन्होंने गोवा को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करा है, क्या क्या लड़ाइयाँ करी है, अब शान गेट बंद कर रहा है, बंद हो गया, मैंने खोल दिया, खोलूंगा सब इसी जेल में बंद हो गए, क्या बात है, कौन सा अल्फ्रेड, अल्फ्रेड अब आप बता थोड़ी आ जाओ, तुम क्या बताओ, डर नहीं है, दिल्ली के चीते आ रखे हैं ये भैया, थोड़ा हमें गाइड करेंगे, यहीं पे रहते हैं ये सर, ये 8 साल इनको भी कारावास हुई है भैया, बोले 8 साल इनको भी जेल में रखा गया था, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, अल्फोंसो और भैया इसके बाद ने दूसरा ले, ये
अच्छा दिन आए थे, कितने दिन जेल में रहे थे? अरे वाह, इतनी बूढ़ी यार, इसको भी जेल में रखा था क्या? शशि कला ऑर्डर क्या मैं दिया जेल में, ये लोग तब तक बंद थे जब तक आजादी नहीं मिली थी गोवा को, मिलिट्री नहीं आई थी। मतलब भैया बोल रहे हैं ये लोग हुआ जैसे 1460, मतलब इतने दिन ये जो अब बूढ़ी औरत है जेल रही थी, जब तक जेल में रही थी तब तक आजाद नहीं हुई, इनको आजाद नहीं करवाया था। चलो नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। ओ तेरी गई भाई, 4754 डेज यार। मोहन रणादे ये भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ये भी 4754 डेज मतलब लगभग 5000 दिन जेल में रहे थे। ये सबसे ज्यादा दिन तक ये वाले रहे थे मोहन रणादे जेल में, कांग्रेस के लीडर थे वो, ये सबसे ज्यादा दिन जेल में रहे थे, ये बंगाल से थे। ये बंद करते हैं जेल, अब और देखते हैं। 798 डेज, 912 दिन, मतलब लगभग 3 साल महाराष्ट्र की थी ये, लगभग 3 साल जेल में रही थी। और उनकी सिस्टर एंड लॉक बहुत बीटन, इनके ऊपर सर बहुत टॉर्चर भी किया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था। जेल बगल में टॉर्चर सेल है, इसके बगल में, हाँ जो बगल में जो सेल है वहीं पे टॉर्चर किया जाता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खोल रहे हैं, उल्टा भैया फोटो दिया था, फोटो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी है, जो भी एक बड़ा फोटो है। सबसे फेमस इंसान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने यहाँ पे रेवोल्यूशनरी स्टार्ट की थी, इसी की वजह से गोवा को आज़ादी मिली है पोर्चुगीज से। ये यहाँ से चिट्ठी लिखते थे बाहर इंडियन आर्मी को, तभी यहाँ पे इंडियन आर्मी पहुँच पाई है। यूपी के नेता थे, कांग्रेस के, कांग्रेस के नेता थे। भैया बोल रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यहाँ के लोगों को जगाया है, आजादी दो। बहुत संघर्ष किया सही में, पूरी हिस्ट्री है गोवा की, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक हर चीज़ है इसमें। आप देख सकते हैं, अगर मैं दबाता हूँ तो ये हमें पूरी स्टार्ट पे ले जाएगी, जो है 1498 से शुरू हुआ था गोवा है, वहाँ से अर्ली क्रूलर्स जो हुआ करते थे, जब वास्को डी गामा से पहले आया था। भैया बोल रहे हैं वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, जो पोर्चुगल का उस टाइम पे राजा होता था, 1498 में आ चुका, 1498 में आया था। सिर्फ कितने हजार सोल्जर, 10-20 सैनिक लेके आया, 10-20 सैनिक से ही उसने गोवा पे रूल कर लिया। आप देखो सिर्फ 10-20 सैनिक से गाइस, पहले 10-20 सैनिक आए लेकिन उसके बाद फिर उनका बड़ा बड़ा सीन आने लगा। ठीक है, बहुत क्रूरिटी करी उन्होंने हमारे साथ, देख सकते हैं आप। बोलता नहीं राज, आर्मी भी नहीं थी, फर्स्ट कन्वर्ट सिस्टम नहीं था, सरकार नहीं थी यहाँ लड़ने के लिए। यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ बना रखी, देखना यार भैया सही, बहुत अच्छी बना दी चीज़ें। ये देखिए राज चक्र, मतलब कि कौन से सन में आया था, 1510 में, 1510 लगभग 400 साल राज हुआ है, 400 साल पोर्चुगीज ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने, अरे देश को लूट के ले गए हमारे, खजाना था हमारा देश, उसे इन्होंने खोखला कर दिया। अभी देख सकते हैं ये टाइम मशीन है का बच्चा, इसको हम लीवर खींचेंगे और ये टाइम मशीन चलती जाएगी और ये हमें किसी भी रैंडम टाइम पे ले जाएगी इन द पास्ट, और हमें पूरा अच्छे ढंग से समझाएगी कि उधर क्या हुआ था 1955 से लेके 1961 तक, लिबिया लोबो एंड वमन सरदेसाई। 1961 ईयर जब फ्रीडम मिली थी, ये फ्रीडम, ये इंडियन आर्मी घूम रही है, लोग गोवा कितने खुश लग रहे हैं देखो, अच्छे से कैप्चर हो चुका है। 36 घंटे लड़ाई चली थी पोर्चुगीज के साथ इंडियन आर्मी की, जब जाके आजादी मिली थी हमें 8 जून 1962। अंग्रेज हो तो भैया बता दो, मैं देख लूँ कोई अंग्रेज हो तो फिर से राज करने की बात कर रहा हूँ, वोट फाड़ दूंगा भी मार दूँ।
अब कोई घुसने की हिम्मत मत कर लेना भारत में। हाँ ये महीना बाद भैया को रिकॉर्ड क्या बोल रहे भैया आप बताओ। आप कोई मजाल थोड़ी है, एक से एक चीते हैं, एक से एक चीते हैं, हर दम पीते हैं। मतलब यहाँ का ऑपरेशन जो 1961 में आजादी मिली उसको ऑपरेशन विजय बोला गया था। ये टैंक सारे फूट गए।